हेलो दोस्तों, आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। इसे देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चेहरे से ब्लैक हेड्स हटाने में कारगर हैं 5 घरेलू उपाय, जड़ से ख़त्म होंगे ये काले धब्बे। चेहरे पर डेड सेल के नीचे ऑयल जमा होने से स्किन छोटे छोटे दानों के रूप में उभरने लगती है और हवा के संपर्क में आकर ऑक्सीडाइज्ड होने से काली पड़ जाती है। ज़्यादातर नाक के पास होने वाले इन ब्लैक हेड्स को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये जड़ से स्किन से जुड़े होते हैं और आसानी से निकलने का नाम नहीं लेते। तो आइए हम आपको ऐसे घरेलू नुस्खे बताए रहे हैं जो दादी नानी के समय से चले आ रहे हैं और समस्या को आराम देने में सहायक है। तो सबसे पहले उपाय, पहला उपाय, एक कटोरी में अंडे की सफ़ेदी लें। अंडे की सफ़ेदी लेना है, पूरा अंडा नहीं लेना है, पीले वाला हिस्सा को अलग कर देना है। अंडे की सफ़ेदी को ले और उसमें एक चम्मच शहद मिला दें। एक अंडे की सफ़ेदी और एक चम्मच शहद मिला लें। अब इस मिश्रण को ब्लैक हेड्स वाली जगह पर लगाएं और 15-20 मिनट सूखने दें। आखिर में हल्के गर्म पानी से धो लें। इसे आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भाई, इसके बाद एक दूसरा उपाय बताता हूँ, वो है 1 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो केक में डालते हैं, बेकिंग सोडा 1 चम्मच ले और उसमें 2 चम्मच पानी मिलाकर पेस्ट बना ले। 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चम्मच पानी मिलाकर उसका पेस्ट बना ले और ब्लैक हेड्स पर लगाएं। 10-15 मिनट रखने के बाद इसे धो लें। यह एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है और ऑयल को भी चेहरे से सोखता है। अब आइए तीसरा उपाय बताएं, 1 चम्मच ग्रीन टी। 1 चम्मच ग्रीन टी की पत्तियों को ले और पानी के साथ मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इस मिश्रण को चेहरे पर लगाने के 20 मिनट बाद हल्के गर्म पानी से धो लें। इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। अब आइए चौथे उपाय के बारे में बताऊँ, ब्लैक हेड्स के ऊपर केले के छिलके के अंदरूनी भाग रगड़ने से फ़ायदा मिलता है। यह ब्लैक हेड्स को कम करने का काम करता है। उसके बाद बात करते हैं हल्दी। हल्दी एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है पदार्थ है जो ब्लैक हेड्स पर असरदार साबित होती है। हल्दी में ज़रूरत के अनुसार नारियल का तेल मिलाएं और पेस्ट तैयार करें। अब इस पेस्ट को 10-15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं और धो लें। इसे हफ्ते में 2 या 3 बार लगाया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है इस घरेलू उपाय से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस घरेलू उपाय को आप आजमाएं और कमेंट बॉक्स में लिखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके पास वीडियो पहुंचता रहे। इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।